हेलो, हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे? अच्छा, वीडियो देखते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं। आजकल कॉमेडी वीडियो बना नहीं रहे हो आप? सुचित भैया की वीडियो भी बहुत कम आ रही है। जी अच्छा, आपकी आवाज कम आ रही है। कर दिया। हेलो हेलो जी, क्या हुआ जी? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है मेरी? हेलो, नमस्ते, हाय, हेलो। रही है अब पर आप? ठीक है, आप कहाँ से हो जी? मैं दिल्ली से हूँ। कैसे हो? ठीक हूँ मैं, आप बताइए कैसे हो? क्या हो अभी? आप कैसे हो? ठीक हूँ मैं, आप बताइए आप कैसे हैं? कैसे हैं? आवाज नहीं आता मैम, क्यों आवाज नहीं आ रही है? हेलो हेलो, नमस्ते हेलो। नमस्ते। आपका क्लियर नहीं आ रहा, आपका आवाज नहीं आ रहा। अभी नहीं आ रही है अभी आवाज? नहीं है। रहा। और बताइए कैसे हैं? मैं भी सब ठीक है, जितनी अच्छा, सब सो रहे हैं क्या? अच्छा, अभी ला कोई खाना खा रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, ड्यूटी में। अभी लंच हुआ है तो वही खाना खा का थोड़ा रेस्ट करें। ठीक है घर में? हाँ सर, ठीक। वही मैं बोला हूँ, जो आप हाथ जो फ्रैक्चर हुआ है तो क्यों आपको हॉस्पिटल में जाना पहले, उधर अच्छा हो जाता। ये अभी ऐसी पट्टी कर रखी है उसने, ये अभी ठीक हो रहा है। दिखाई एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो आयुर्वेदिक वाला बहुत प्रॉब्लम, आयुर्वेदिक वाला बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। दिखा रही हूँ डॉक्टर को, बोल रहा है अभी टाइम लगेगा इसको ठीक करने में, 1 महीना तो होने वाला है इसको। नहीं, एक बार दिखाइए ना, उधर हो रहा है, डॉक्टर देखने जाना तो सही रहेगा, क्योंकि दिखाओ, आयुर्वेदिक वाला बहुत प्रॉब्लम है, नहीं ठीक होगा ना तो बाद में हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। एक तो सीधे हाथ में प्रॉब्लम है, और वो सीधे हाथ मतलब सीधे पैर में भी प्रॉब्लम थी। 3 4 साल पहले उसमें फ्रैक्चर हुआ था, तो वो मैंने प्लास्टर खोल दिया था, अब उसमें दर्द उठता है। अब ये सीधे हाथ में और हो गया, दोनों ही खराब हो गए, सीधा हाथ भी और पैर भी, अब दोनों में दर्द होता है, क्योंकि वो जब ठीक से नहीं जुड़ती हड्डी तो उसमें वो परेशानी बन गई है। वही थोड़ा डॉक्टर से दिखाने में सही रहेगा। दिखाओ, बिल्कुल। अभी ये 6 दिन की पट्टी के, अगर नहीं कुछ होता है तो फिर मैं जाती हूँ डॉक्टर के दिखाने, कराऊंगी इसका एक्सरा, कराऊंगी फिर देखूंगी। जय को मैं बोला था,
वो आयुर्वेदिक में उसमें फायदा नहीं है, डॉक्टर को आप बोलो दिखाने के लिए, वो सही रहेगा, एक्सरे हो जाएगा, फिर उसके बाद देख तो पता नहीं हो जाएगा। क्योंकि मेरा गाँव में हुआ था ना, एक आदमी का, एक लड़का का हुआ था, सेम ऐसा ही हुआ था, तो इधर उधर दिखलाया, अभी हाथ पूरा टेढ़ा हो गया, जामुन जामुन दिखाओ फिर जाके दिखाओ। जामुन वो पेड़ पे चढ़ा था, पेड़ पे से गिर गया, वो डाली टूट गया, तो गिर गया तो उसका हाथ से चल हो गया था, तो इधर उधर ऐसा किया, उसके बाद अभी नहीं हो पाया तो हाथ टेढ़ा है, बहुत प्रॉब्लम दिखाओ तो दिखाओ। चलिए है। ठीक है। ओके ओके ओके। हेलो, हाय, हेलो, ठीक, हेलो, देखिए मैं ना आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए सबके घर में इज्जत होती है, ठीक है, मतलब सबकी माँ होती है, बहन भी होती है, और ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसके घर में एक मतलब इज्जत वाली चीज ना हो, ठीक है। तो मतलब कुछ लोग ना इतने बेकार कमेंट करते हैं, इतने गलत कमेंट करते हैं, कि अगर आप उन कमेंट को पढ़ोगे ना तो खुद को आपको शर्म आ जाएगी कि आप कैसे कमेंट करते हो। मेरी किसी से कोई लड़ाई ही नहीं है, मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोलती, आप लोग मेरी फैमिली हो, सब हो, ठीक है। बहुत लोग तो ऐसे भी कमेंट करते हैं कि बाप मर गया, क्या करी क्या नहीं करी। कब बाप मर जाता है ना, उसे पता होती है कि वो इंसान जिंदगी कैसे जी रहा है, वो जानता है कि उसको क्या क्या झेलना पड़ता है, ठीक है। कुछ एक आईडी है, तो फोन खा गया दूसरा, मैं इंस्टाग्राम पे बताती हूँ, एक आईडी है जिसमें वो मुझे इतने गलत कमेंट करता है, वो इंसान क्या बताऊँ मैं आपको, आप सोचिए कि अगर आप घर में किसी को अपने ऐसे कमेंट कर सकते हैं, आई थिंक ये डिलीट कर दिए हैं, हाँ यहाँ से जैन डिलीट कर दिए हैं, वो बहुत ही गलत कमेंट करता है वो इंसान, बहुत ही ज्यादा। हाँ ये आईडी है, मैं आपको बता देती हूँ, ये आईडी है, अगर दिख रहा है आपको, प्रिंस प्रिंस शर्मा 501, ये लड़का है लड़की है मुझे नहीं पता है, ये इतने गलत कमेंट करता है कि अगर अगर आपकी माँ बहन होती या कोई होती तो आप उसको ऐसे कमेंट कर सकते हो। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, सबको बोलने का मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं बनता है, मैं आप सबकी इज्जत करती हूँ, क्योंकि आप लोगों से ही मतलब हम लोग हैं, क्योंकि आप लोग प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सारी चीजें करते हैं, और हम इतना मतलब बाकी का मुझे नहीं पता, मैं बहुत इज्जत करती हूँ आप लोगों की, कि आप लोगों से ही हम लोग हैं, आप लोग हमें प्यार करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी सारी चीजें करते हैं, मुझे लोग इतना इतना गलत लिखते हैं कि बाप नहीं है क्या करते है? भाई जिसका बाप नहीं होता ना उसे पता चलती है कि जिंदगी कैसे कट रही है, कैसे जी रहे हैं, आप लोग तो बोल देते हैं, ठीक है, इतना कोई बात नहीं है कि हम जानते हैं कि मैं बड़ी हूँ घर में, अपने सब छोटी बहन है मेरी, बहुत मुश्किल हो जाता है। माँ है, माँ ठीक है, माँ अपनी जगह है, लेकिन बाप जो होता है ना, सर का साया होता है, सर पे हमारी छत होती है, इसीलिए प्लीज कमेंट करने से पहले एक बार सोचा करो आप लोग कि आप लोग क्या करो क्या नहीं करो। मैं भी किसी की बहन बेटी हूँ, जैसे आपके घर में बहन है, बेटी है, माँ है, सबके घर में होती है, आप लोग कमेंट करते, मैं ये प्रिंस शर्मा जो है ये बहुत गलत कमेंट करता है, इसके कमेंट इतने बेकार होते हैं कि घर में माँ नहीं है इसके, पैदा तो माँ से ही हुआ होगा ना, किसी और से तो पैदा नहीं हुआ है, मतलब बुरा लगता है यार, कोई भाई भी नहीं है मेरे, कोई
कोई बड़ा सर पे नहीं है, सब कोई चला गया है हमारा, कोई भी नहीं बचा है, ना दादा दादी, ना ना नानी, पापा मामा, कोई भी नहीं है, भाई भी नहीं है। तो बस किया कीजिए ऐसे, अगर आप किसी को, आपसे कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना कि आप हमें सपोर्ट करिए या हमारे हमारे हम आपसे जबरदस्ती करें, अगर आपको मन है सपोर्ट करने का, या अगर आप किसी को सपोर्ट भी नहीं कर सकते ना, तो किसी को गलत भी मत बोलिए। आपको आपको सबको अपना मिला हुआ है कि आप मत क्या कीजिए प्लीज, आपको नहीं सपोर्ट करना, किसी को मत कीजिए, आपको नहीं देखना, आप मत देखिए, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है, पर आप गलत कमेंट मत कीजिए, ठीक है ना। मैं बहुत कमेंट पढ़ती हूँ कि क्या कर रही है, बाप मर गया है, आप एक दुनिया की नजरों में ना कि हाँ एक इंसान गया है, कि हाँ मेरे पापा नहीं है, लेकिन मेरे पापा मेरी दुनिया थे, वो मेरी ताकत थे। इतना सब कुछ इतनी जल्दी हो गया ना, मुझे पता भी नहीं चला कि कब कैसे हो गया, ठीक है। मैं रात को आई घर पे, मैं सो गई, रात को मैं उनसे मिल भी नहीं पाई, रात को 2:30 बजे मुझे वो बुला भी रहे थे, कि आवाज भी दे रहे थे मुझे, नीचे बुला रहे थे कि अंकू आओ नीचे, लेकिन मैं गई तो वो मैंने बोला कि ठीक है मैं देख लेती हूँ, शायद पानी वानी चाहिए कुछ जो भी है। तो सुबह उठी तो मम्मी आई सुबह 6 बजे मेरे पास, कि अंकु डैडी कुछ बोल नहीं रहे, मेरी बड़ी सांसें रुक गई, कि मेरी दुनिया उजड़ गई उस टाइम। अब लोग प्लीज ऐसा मत करा करो, मत करो सपोर्ट, आपको नहीं सपोर्ट करना, कोई कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी, आप किसी को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज गलत मत कमेंट कीजिए। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो जो किसी भी उससे उठी आई है कुछ भी, मैंने शुरू से एक इज्जतदार फैमिली के साथ ही हूँ, मम्मी पापा ने अच्छी चीजें सिखाई है, गलत किसी का करना नहीं सिखाया है, ठीक है। अगर गलत करते हैं तो खुद के साथ गलत होता है, और मेरे बाबा जी महादेव देख रहे हैं सब कुछ, कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ, अगर मेरे साथ गलत हो रहा है ना तो होने दो उसको, कोई बात नहीं। सारी चीजें मतलब वक्त के साथ जो बोलते हैं ना इंसान के, सारी चीजें ठीक हो जाती है, जो भी है कुछ ठीक नहीं होता है, हमें उसमें रहने की आदत हो जाती है और कुछ नहीं है। तो प्लीज मत करा करो ऐसे, और इज्जत करो अपने पापा और मम्मी की, क्योंकि आपकी दुनिया है वो, जब तक आप उनके साथ है ना, आपको उनकी कमी महसूस नहीं होगी बिल्कुल भी, कि वो है नहीं है। अगर उनमें से एक भी अगर आपको छोड़ के चला जाता है ना, तो आपकी दुनिया उजड़ जाती है, अगर आपको रियलाइज होगा तो तब मत करा करो प्लीज। थैंक यू, नहीं बोल।